जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट डे एक कॉन्सेप्ट किया था अपना कि उबंटू के अंदर हम करेक्टर यूजर इंटरफेस में किस तरह से यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं। आई होप वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय लिनक्स फायरवॉल? एक्सप्लेन लिनक्स फायरवॉल क्या है, क्या समझते हैं आप उससे, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मॉलवेयर। अब ये जो नेटवर्क फायरवॉल होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस एंड मॉलवेयर। मॉलवेयर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं वायरस की भी। ठीक है, तो अ फायरवॉल वर्क बिटवीन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। फायरवॉल काम करती है कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। फायरवॉल कोई हार्डवेयर कोई पुरजा नहीं होता है, फायरवॉल एक तरह का प्रोग्राम ही होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो एक तरह का फिल्टर का काम करता है हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, अ प्रॉपरली कन्फिगर्ड फायरवॉल इंक्रीज द सिक्योरिटी लेवल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमने फायरवॉल को प्रॉपरली कन्फिगर्ड किया होगा तो ये इंक्रीज करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटी लेवल को। ठीक है, देयर आर थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के सिक्योरिटी लेवल्स हैं। फर्स्ट है हाईली सिक्योर फायरवॉल, ये ज़्यादा सिक्योर फायरवॉल का लेवल है। ठीक है, दिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी डिस अलाउ ऑल द इनकमिंग नेटवर्क कनेक्शंस। अब इस लेवल की सिक्योरिटी में हम क्या कर सकते हैं कि डिस अलाउ कर सकते हैं, रोक सकते हैं जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं उनको। एंड इट कैन बी कॉन्फ़िगर फॉर अलाउइंग इनकमिंग कनेक्शन, और इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिर्फ कौन से कनेक्शन हमने अलाउ करने हैं, DSCP, जो भी DSCP कनेक्शंस होते हैं उनमें उनमें से हमने कौन से कनेक्शन जो है वो अलाउ करने हैं। एंड DNS रिप्लाइज टू वर्क इंटरनेट एप्लीकेशन नॉर्मली, और DNS जो है वो फिर रिप्लाई कर सकते हैं कि इंटरनेट जो एप्लीकेशन हैं वो नॉर्मली काम करें। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सर्वर जो है वो रिप्लाई करेगा कि इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशन नॉर्मली काम करे। ठीक है, उसका सेकंड लेवल होता है मीडियम सिक्योर फायरवॉल, दिस इज द डिफॉल्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी का डिफॉल्ट लेवल है, ये जो फायरवॉल है मीडियम सिक्योर फायरवॉल, ये लिनक्स में डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है, वहाँ पे इसी की सेटिंग रहती है वहाँ पे पहले। ठीक है, उसको हम हाईली में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो फायरवॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी कस्टमाइज्ड टू अलाउ सर्टेन इनकमिंग कनेक्शन। अब इसमें हम इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से इनकमिंग कनेक्शन, कौन से कनेक्शन हमने अलाउ करने हैं, लाइक जैसे वेब या सिंपल मेल्स वगैरह ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, एटसेट्रा और भी इत्यादि। नो फायरवॉल, दिस ऑप्शन डज नॉट सेट एनी फायरवॉल। अब इस ऑप्शन में हम फायरवॉल को प्रॉपरली बंद कर सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब होगा कि आउटसाइडर कैन एक्सेस अवर नेटवर्क रिसोर्सेज ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि आउटसाइडर जो है हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये थी लिनक्स फायरवॉल की थ्री लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क स्पेशलिस्ट? नेटवर्क स्पेशलिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? ठीक है, उसके क्या क्या उत्तरदायित्व बनते हैं? एक्सप्लेन वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन नेटवर्क सिक्योरिटी, और इसके अलावा कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर रहती हैं। ठीक है, अब देख पहले तो देखते हैं कि एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या होता है, एक तरह का कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है ना, सेम वैसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। दैट बिल्ड फायरवॉल, जो फायरवॉल को बनाता है, ठीक है, उस प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर करता है, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है ऑन सर्वर, एंड मॉनिटर नेटवर्क टू प्रोटेक्ट कंपनी डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन, और हमारे नेटवर्क को मॉनिटरिंग करता है टू प्रोटेक्ट कंपनी डाटा, डाटा के जो भी कंपनी का डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये जो नेटवर्क स्पेशलिस्ट होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, टाटा बिरला कोई भी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, यानी कि गवर्नमेंट के सेक्टर में भी जैसे ब्लॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे काम चलता रहता है ना कंप्यूटर का, जैसे तहसील है,
या फिर हमारा ब्लॉक है जैसे ब्लॉक टोनी देवी है, वहाँ पे एक तरह से एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट बिठा दिया है। वो पूरे के पूरे जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं ना, सारा का सारा जो डाटा आता है सर्वर पे, उसको मेंटेन करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक तरह की पोस्ट होती है नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। ठीक है, तो हर एक जगह होती है, हर एक कंपनी में होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होती है। अब ये इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं नेटवर्क स्पेशलिस्ट की, या हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर होते हैं। ठीक है, ये भी पोस्ट है सारी की सारी नेटवर्क स्पेशलिस्ट की। फर्स्ट है नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर भी होता है कंपनीज में। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। नेटवर्क प्रोग्रामर, नेटवर्क की प्रोग्रामिंग करने वाला होता है। नेटवर्क टेक्नीशियन होता है, नेटवर्क की टेक्नीशियन भी होता है। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क के ऊपर कोई ना कोई फॉल्ट पड़ रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन भी होता है। नेटवर्क आर्किटेक्ट भी होता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट भी होता है, नेटवर्क को डिज़ाइन करने वाला आर्किटेक्ट जिसे हम बोलते हैं, जैसे मकान बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं ना, उस तरह से नेटवर्क की डिज़ाइनिंग करने वाला भी एक आर्किटेक्ट भी होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर भी होते हैं, नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर भी होते हैं, और नेटवर्क एनालिस्ट भी होते हैं, नेटवर्क का विश्लेषण करने वाले भी होते हैं। ये अलग अलग सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं अगर आपने भी करनी है तो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस, एक्सप्लेन। मेंटेनेंस क्या होती है? रख रखाव जो भी होता है, देखभाल करना, उसको एक्सप्लेन करो। मेंटेनेंस इज ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन। अब मेंटेनेंस क्या होती है? एक रेगुलर और सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न पार्ट्स, साफ करना और रिप्लेस करना जितने भी जले हुए पार्ट्स होते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। मान लो कंप्यूटर में कुछ एक पुर्जे भी जल जाते हैं, नेटवर्किंग के कंपोनेंट जल जाते हैं, स्विच जल जाता है, मॉडम जल जाते हैं, तो उन वॉर्न पार्ट्स को रिप्लेस करने के करना, ये भी मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। मटीरियल एंड सिस्टम, उसके अंदर कौन सा मटीरियल लगना है, उसको किस तरह से मेंटेन करके रखना है, तारें जो भी जल रही हैं वो रिप्लेस करनी, वो सारा का सारा मेंटेनेंस के अंदर ही सारा काम आता है। देर आर फाइव मेजर एलिमेंट टू मेंटेन एंड मैनेज अ नेटवर्क। अब यहाँ पे पांच मेजर इसके एलिमेंट दिए हुए हैं इसको मेंटेन और मैनेज करने के लिए। फर्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, ये भी मेंटेनेंस का पार्ट है। ठीक है, कि हमारा जो नेटवर्क है वो स्मूथली काम करता रहे, स्पीड पे काम करता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को भी मैनेज करना, ठीक है, ये भी मेंटेनेंस में आता है। सिक्योरिटी यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्शन को अपडेट करते रहना, पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहना, ताकि कोई हैकर्स उसको हैक ना कर पाए। ठीक है, थर्ड है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगर करते रहना, उसकी मैनेजमेंट करना। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, यूज़र अकाउंट को मैनेज करना। फॉल्ट मैनेजमेंट, कोई फॉल्ट पड़ता है नेटवर्क के ऊपर उसको मैनेज करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो थी मेंटेनेंस की प्रोसेस थी, जो एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट होता है वो करता है सारी की सारी प्रोसेस को। ठीक है, तो आज के लिए हमारे यही 7 क्वेश्चंस काफ़ी थे। कल हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।